दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अपन विशेष में हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। हम सब एखन जनकपुर के एक होटल में छी। अपने देख रहल छी हमरा बगले में बैसल छथि, हिनकर परिचय के कोनो आवश्यकता हमरा नहीं बुझाइए, समय बहुत कम छै। एखन तराई मधेश में जे अनिश्चितकालीन बंद हड़ताल जारी छै, मधेशी जनता जे सब दैनिक 300, 400, 500 रुपया कमाई छथि, हुनका सबके कतेक अभाव आ कतेक दुख होइत हेतै से अपने सब बुझै छी, हमहुँ सब बुझै छी। मुदा तैयो एखन नहि तऽ कहियो नहि से लड़ाई भऽ गेल छै एखन हक अधिकार के लेल, आ ओ सब गोटे स्वस्फूर्त रूप में एहि जन आंदोलन में सहभागी भेल छथि। तऽ हुनका सबके एकटा कही मनोबल बढ़ाबऽ के लेल आ हुनका सबके ऊर्जा थपऽ के लेल एहि आंदोलन में चर्चित राजनीतिक विश्लेषक सी के लाल सर एखन आयल छथि जनकपुर में, आ हम सब हुनका संगे आजुक दिन कार्यक्रम अपन विशेष में बातचीत करब आ हुनका सब बेसी सुनय चाहब। सी के सर स्वागत इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले एखन जे मधेशी जनता के अपने से अपेक्षा है, दशैं आबि रहल छै, घटस्थापना ई कही पहाड़ के जे समुदाय छै हुनका सबके लेल बड़का पावनि होइ छै दशैं। हमरा बुझाइए जे नाकाबंदी ओ सब दशैं में बर्दाश्त कर नहीं सकता, तो की बुझाइए दशैं तक में अपना सबके जे मांग छै से पूरा हेतै? एकरा सबके सत्ताधारी के अपेक्षा की छै जे ई आंदोलन दशैं धरि नहि चल सकतै जी, तै अनुमान पर ई सब अपन रणनीति बनाए रहल है। लेकिन हम काल काठमांडू से जनकपुर एलहुँ तो एहिठाम के हम जे वातावरण देखलिए तो हमरा यह बुझा रहल है जे बात अखने अहाँ कहलिए जे नहि एहि बेर तो फिर कहियो नहि। दू बेर तो मधेश विद्रोह भ गेल, पहिल मधेश विद्रोह, दोसर मधेश विद्रोह, आ ई तेसरम अइ। तेसरमो में जँ खाली हाथ घर लौट जेबै तब फेर से यदि सड़क पर उतर के आवश्यकता एतै तो उ या तो बहुत हिंसक हेतै या आंदोलने नहीं हेतै। तो ई जे भावना छै तै दुआरे एहि बेर मधेशी जनता में हमरा लागल एहिठाम के जनकपुरवासी में ई प्रबल छै जे एहि बेर दशैं की अपन लक्ष्मी पूजा अपन छठो तक रह पड़े नहीं, लेकिन एहि बेर हिसाब किताब किछु कऽ कऽ नेपाल के पूर्ण नागरिक भइए कऽ अपन नागरिक अधिकार स्थापित कइए कऽ घर लौटब, तै किस्म के भावना हमरा लागि रहल है। तऽ जे सत्ताधारी सबके रणनीति छनि हमेशा उ सफले हेतै से कोनो जरूरी नहि छै। अपने हिंसरक शब्द के सेहो प्रयोग केलिए, तकर बाद राष्ट्रपति जी सेहो कहने छलखिन जे मोहन ठाकुर जी सतर्क हो, साम्प्रदायिकता भड़कि सकैए। तब ई सब चीज के देखल जाए एखन धरि साम्प्रदायिकता बहुत हद तक बाँचल छै आ सद्भाव यथावत छै, ई स्थिति आबि सकैए संकेत कऽ रहल छै? सावधानी जरूरत छै। की भऽ जाइ छै जे कहियो काल नहि चाहितो नहि चाहितमे किछुसँ किछु भऽ जाइ छै, किया तऽ खास कऽ कऽ मधेशके समस्या ई छै जे एहिठामके सेना प्रहरी के जे संरचना छै से साम्प्रदायिक चरित्र के छै। तऽ जहन साम्प्रदायिक चरित्र के छै आ राज्य हिंसा कहीं बहुत बेसी बढ़ि गेलै जेकि देखा रहल अइ, 40 टासँ बेसी मधेशी शहीद शहादत के बाद देखा रहल अइ, तऽ अखन धरि तऽ मधेश के आंदोलनकारी बहुत संयम देखलखिन हँ। लेकिन ई राज्य के हिंसक दमन यदि बहुत ज्यादा बढ़ैत गेलै तऽ एकर साम्प्रदायिक रूप लेबऽ सकैए। लेकिन जखन हिंसा साम्प्रदायिक भऽ जाइ छै तऽ कोनो पक्ष नहि जीतै छै, दुनू पक्ष हारै छै। ताहि दुआरे हम कहबनि आंदोलनकारी सबके जे संयम बनाकर राखू, हड़बड़ाएके जरूरी नहि छै, सत्यके पक्षमे आन्दोलन अइ आ सत्यके विजय होइ छै, अपन नैतिक बलपर विश्वास राखू, हिंसाके जरूरत नहि छै। बहुते आदमीके इहो कहब छै जे आप राज्य की चाहै छै साम्प्रदायिक भरके, तकर बाद हम शक्ति प्रयोग करैके लेल हमरा सहज होइ, सैनिक परिचालन करैके लेल सहज होइ, सेहो बात सब आबि रहल छै, एहिमे कतेक सत्यता बुझाइए? स्वाभाविक होइ छै, कतौ अहाँके देखबै राज्य के चरित्र होइ छै। राज्य के चरित्र की होइ छै जे विद्रोही के
कि त आतंककारी घोषित कर दी। आतंककारी कोन स्थिति में घोषित होइ छै, जखन कि बिना यूनिफॉर्म के आ बिना शस्त्र लेने सुरक्षाकर्मी पर आक्रमण होबे के शुरू होइ छै अथवा व्यक्ति हत्या होइ छै, त राज्य ओकरा आतंककारी घोषित क के सशस्त्र रूप से दमन करै छै। दोसर राज्य के हमेशा इच्छा की होइ छै दमनकारी राज्य के, जेकरा सांप्रदायिक चरित्र में रूपांतरित कर दी, तकर बादो दमन कर के ओकरा वैधानिकता भेट जाय छै। आ तेसर राज्य की सोचत रहै छै, जे कोनो विदेशी शक्ति द्वारा परिचालित कह के एकरा राष्ट्र विरोधी करार कर दी, तखनो अवस्था में दमन कर के एकटा बहाना भेट जाय छै। तो अखन मधेश विद्रोह में नेपाल के राज्य सत्ता तीनों बात के प्रयोग कर रहल छै। टीकापुर देखा के कह रहल है यहाँ के जे आतंककारी चरित्र छै, नै किछ जलेश्वर जनकपुर के एक दूटा छिटफुट घटना देखा के कह रहल है, कलैया के किछ घटना देखा के कह रहल है जे नै ई सांप्रदायिक चरित्र के है। आ अखन तो और कह रहल है जे नै त भारतीय नाकाबंदी है, भारत द्वारा सृजित है, त से अंतरराष्ट्रीय आक्षेप लगा के देशद्रोही घोषणा करे के कोशिश कर रहा है। तो राज्य अपन पूरा रणनीति के अनुसार चल रहा है, ओकरा बुझ के आंदोलनकारी सबके तीनों बात के ध्यान में रखत, नहीं आतंककारी नहीं छै, नहीं सांप्रदायिक नहीं छै, आ ई जे छै से अही ठाम के व्यक्ति के लेल अधिकार के लेल छै, कोनो विदेशी शक्ति के में कोनो भूमिका नहीं छै। तीनों बात के स्थापित क के रखनाई बहुत जरूरी है। काल्हि के जे अपने के मंतव्य रहे छै के सर, संचार माध्यम सब से टेलीविजन से रेडियो से लाइवे देखलखिन दर्शक लोकन, तकर बाद श्रोता लोकन, मुदा एकटा बात एखन के जे ताजा विषय छै, बाबूराम भट्टराय एखने हमरा जे पी गुप्ता जी से बात भेल रहे, तो हुनकर कहब की रहे, ओना त ओ बाबूराम प्रधानमंत्री भेल बेर में हुनका जेल पठाओल गेल छै, हुनका दुनू गोटे के बीच में एकटा कही टकरावे छै, मुदा तैयो ई कहलखिन जे बाबूराम के नाम से मात्र नहि एकटा पूर्व प्रधानमंत्री राज पहले बेर पूर्व प्रधानमंत्री बनल लोक कोनो पार्टी से राजीनामा देने छै आ कहै छै जे हम मधेश आंदोलन में जाएब, तेकरा स्वागत करियौ, आइयो जनकपुर आबै के कार्यक्रम छै बाबूराम जी के, एतय के युवा सब कहै छै जे हमसब प्रतिकार करब, मोर्चा सेहो निर्णय कयने छै, की करबाक चाही अखन? ई राजनीतिक बात भ गेल, प्रतिकार के भाषा से हम सहमत नहीं छी। मधेश के जे आंदोलन छै से कोनो राजनीतिक दल के आंदोलन नहीं छै, मधेशी के अधिकार संपन्न बनाबे के आंदोलन छै, त जते किसिम के सहयोग नेपाल के भीतर से भेटे तकरो स्वागत छै, अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भेटे तकरो स्वागत छै, लेकिन जखन स्वागत के बात करबै त हमर कनी की कहबे कत जाके कनी हम हिचक जाय छी, जे बाबूराम जी के स्वागते कयल जाय हुनकर कदम के, ओहू के जरूरी नहीं छै, किया त आखिर सौरभ उदय के डिजाइनर सब में से तो ओहो छथि। ई संविधान जे मधेश विरोधी संविधान बनलै है, अइ संविधान के पास कराबे में सेहो हुनकर भूमिका छै, लेकिन हुनका हम शंका के लाभ की देबे चाहबै, जे उ अपन दल से राजीनामा द क एक बद्धता के लेल एठम आबि रहल छन, त हम मधेशी युवा सब के कहबै जे अहाँ काला झंडा जरूर देखबियौन जी, अहाँ खुला हृदय से स्वागत केनाई जरूरी नै छै, लेकिन हुनका अवरोध नै करियौ, प्रतिकार नै करियौ, हुनका कहियौ जे हम जे कयलहुँ तै के लेल हम मधेशी जनता से क्षमा मांगै छी, से क्षमा याचना सहित यदि हुनकर एक के बद्धता मधेशी के दाबी मधेशी के मांग के प्रति छै, तो उ लेब में कोनो हिचकिचाहट नै होबक चाही, लेकिन प्रतिकार के भाषा हमरा नै पच रहल है, ओहुना हमरा स्वागतो करय वाला भाषा नै पच रहल है, अखन शंका के लाभ देल जा सके। एकटा बात अपने कहने रहिए जे भारत ऊपर से हो विश्वस्त नै हो, किएक तऽ जतेक दू दू बेर मधेशी संगे समझौता भेल छै 22 बुधे 8 बुधे, आ भारत साक्षी रहि कऽ ओतय उपस्थित अपने निगरानी मे करेने छै समझौता, आ कानून करय दिस कोनो चाँखि नै देलकै, आ तहि कारण से बेर बेर धोखा भऽ रहल छै मधेशी सबसँ। तऽ एखन के जे भारत के प्रस्तुति छै मधेश आंदोलन मे किछु हद तक सकारात्मक छै आ सहयोगी भूमिका निर्वाह केलकैया, त
तो आप की मतलब जखन जे संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा वा अन्य मधेशी मोर्चा के नेता सब वार्ता में बैसथिन तब तो एक स्वतंत्र जे नागरिक सब छे अपने सब जगह जना कही तो हुनका सब के सेहो राखल जाए वार्ता में। हमरा विचार में वार्ता के स्तर पर पहुँच गला के बाद राजनीतिक लेन देन के बात हो जी आ ओहिठम जाकर संस्थागत बात हो तो नागरिक समाज जकरा कहल जाय छै ओहू सब महत्वपूर्ण हेतै जे कानून के ज्ञाता सब छथि प्राविधिक बात छै न त जे कानून के ज्ञाता सब छै एहिठाम ठगी जे मधेश से भऽ रहल छै से वार्ता से बेसी ठगी भऽ रहल छै कानूनी रूप में। संविधान लिखल जाइए ओहिमे नागरिकता के प्रावधान में द्विअर्थी भाषा लगा देल जाइ छै तीन किस्म के नागरिक बना देल जाइ छै अंतरराष्ट्रीय मूल्य मान्यता के विरोध में चल जाइ छै त नागरिको समाज से बेसी हम कहबै जे मधेश के मुद्दा जनजाति के मुद्दा दलित के मुद्दा महिला के मुद्दा से कनी सहानुभूति राखे वाला खास कर मधेशी मुद्दा से सहानुभूति राखे वाला जे मधेश के कानून के ज्ञाता सब छथि हुनका रोहबर में यदि समझदारी या समझौता होइ छै तो उ मधेश के दीर्घकालीन हित में हेतै। आ जहाँ तक भारत के भूमिका के बात छै तो भारत परिवेष्टित देश छै नेपाल तीन दिश से कहला तो कहै छै दू दिश के दुईटा चिमेकी लेकिन तीन देश से भारत छै तो भारत के भूमिका हमरा निक लागे या नहीं लागे ओकरा इनकार नहीं कयल जा सकैए तो ओकर प्रत्याभूति के महत्व ने काल कम रहै नहीं आय कम छै आ नहीं काल जाकर फिर कम रहतै तो ओकर भूमिका किछु न किछु तो जरूर रहतै ओकरा भले ही क्यों आगू में किछु कह दे लेकिन इनकार नहीं कयल जा सके। आप एकटा सवाल ई जे अखन संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा के नेता सब से विभिन्न मोर्चा के नेता सब काल जाकर जनता सब फिर से ओहन समझौता कर कही राजनीतिक में फिर सब सत्ता में पहुँच के लेल जे भेलै विगत में ओहन नहीं हेतै से की गारंटी आ हिनका सबके जे एकता होवे वाला बात छै ओ केला नहीं भ रहल छै। की भ जाय छै राजनीति में लगनाय नाली साफ कैल जका काज छै जी समाज के नाली भ रहि गेल छै राजनीति तो जे नाली साफ करतै तो हुनका सबके देह पर किछ दाग लगै छै ते द्वारे राजनीति कर्मी के गायर पर नहीं तत्काल के लेल छोड़ दिया अखन आंदोलन में छी जी हुनका सबके बहुतो कमी कमजोरी हेतै उ एकटा पक्ष दोसर पक्ष की छै जे कहना में छै निरंतर निगरानी लोकतंत्र के प्राथमिक शर्त होइ छै जी हम अहाँ की कहलियै चाहे जन आंदोलन के बात होइ या वो सब पहिने देखबै तो 46 साल के आंदोलन के बात होइ जन आंदोलन के बात होइ प्रथम मधेश विद्रोह के बात होइ द्वितीय मधेश विद्रोह के बात होइ हम सब आंदोलन क आ राजनीति कर्मी के जिम्मा छोड़ि क जनता सुत रहै छै त जे सुतल रहै छै जो सोया सो खोया वाला बात भ जाय छै तो इन निरंतर निगरानी जे राजनीति कर्मी आ फेर इस सत्ता के खेल में नहीं लाग जाय उन निरंतर निगरानी जे छै नागरिक के स्तर पर मधेश में केना कायम राखी तेकर एकटा बहुत बड़का आवश्यकता छै ओहिमे मधेश के मीडिया के भूमिका मधेश के पेशा धर्मी सब के पेशा कर्मी के भूमिका मधेश के सचेत समुदाय के भूमिका ई एकटा निरंतर कायम रखनाय बहुत जरूरी छै। एखन जे समाचार आयल छै मुख्य तीन दल तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन केलकैए तकर बाद 15 गते के जे व्यवस्थापिका संसद के बैसार आह्वान कयल गेल छै एकटा दोसर अथी के ताहिमे संशोधन के प्रस्ताव शुरू करते कानून मंत्री नरहरि आचार्य जी एकर शुरुआत आ सक्रियता देखौने छथिन तऽ फेर से कृष्ण सिटौला भीम रावल सन के आदमी सबके बैठा के अहाँ एकटा वार्ता समिति बना दै छियै तऽ समस्या के समाधान हेतै कयल जाकर वह पात्र सब फेर से हमरा से शंका लागि रहल अछि जे ई समस्या के समाधान खोज के लेल वार्ता समिति गठन भेलैए या विवाद के लंब्याव के लेल वार्ता समिति गठन भेलैए जे एहिना ई लटकल रहे आई सब थाक के आंदोलनकारी घर लौटैत थाक के लौट जाता तो हम सब जे चाहबै संशोधन के नाम पर किछ बोरा के बोरा भरि के से
अपहरण कर लेलिए अधिकार के आ देव काल में दो चार चुटकी द क से कहबे जे दिए के होनी ते किसिम के धोखा के संभावना अखनो है। सतर्क बनाई जरूरी है, दबाव बना कर रहना जरूरी है। लेकिन आब जे पार्टा टोली गठन भ गेल, संविधान संशोधन के प्रक्रिया शुरू भ गेल, त जीत भ गेल, विजय जुलूस निकाल के अखन समय नहीं भले। ई जे आप काठमांडू वासी सब के लेल अपनो होना काठमांडू में रही खाए पीब के पेट मुँह से संबंधित भले आप नाकाबंदी के बाद ई आंदोलन तकर बाद प्रचंड जी कल भेटघाट कल चिनिया राजदूत से नाका खुला भग लेल ई जे एकटा कहीं ना घुरकी छे ना जे चीन से हम सामान लाब ई कतेक संभव छे आ चीन मधेशी जनता के उपेक्षा कक हिनका सबके सहयोग करते से कतेक संभावना छे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कोनो देश जे होय छे से तीन टा आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति चले छे। सबसे पहला बात जे कोनो देश देखे छे जे हमर स्वार्थ कोन चीज से सिद्ध होय, दोसर बात कोनो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति जे देखे छे जे जीता वाला पक्ष कोन देखा रहल है तेकरा पाछा रही, हारा वाला के पाछा कोनो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति नहीं लगे छे। आ तेसर बात जे कूटनीति में देखे छे जे सामान्य मानवीय मूल्य मान्यता जे छे अंतर्राष्ट्रीय रूप में स्थापित ओकरा विपक्ष में हम ठार होय से सकवर नहीं देखा। ई तीन टा बात कूटनीति में देखे छे। ऐ तीनू बात पर आप चीन के भूमिका देखियो, मधेश के हित में चीन छै कि नै ओहि बात के अखन तत्काल के लेल बिसरि जाउ। तत्काल के लेल खाली ई बात राखू जे चीन के स्वार्थ नेपाल में, चीन के स्वार्थ पर तो मधेश आंदोलन कोनो हमला तो नहीं कह रहल छै, नै तऽ मधेशी तो अपन अधिकार के बात कह रहल छै। आइ नेपाल में खस बाहुन क्षेत्री के जगह पर यदि मधेशियों के सरकार अबै छै तो चीन के आधारभूत स्वार्थ पर तो हमला तो नहीं करते ना जी, तो चीन के स्वार्थ के विपरीत तो मधेश विद्रोह नहीं छे, तो चीन में क्या हस्तक्षेप करते। दोसर बात जे छे से अठम के जीतो वाला पक्ष कौन देखा रहल है, तो जी अखन युद्ध तो नहीं लड़ रहल छे भारत से चीन, प्रतिस्पर्धा छै तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तो प्रतिस्पर्धा होइत रहे छै, लेकिन भारत आ चीन के अखन साथ काज कर में बेसी फायदा छै ना, तो मधेशियों से दुश्मनी नहीं छै आ भारतों से युद्ध नहीं लड़ रहल छै, तो किस सत्ताधारी के मन राखला से क्या वो देखा रहे थे ने। आ तेसर बात जे कहलिए जे सत्य तो अखनो तो कमजोर के पक्ष में छै ना, तो ई अर्घेल्याई जे नेपाली शब्द कहे छै नमरई जे देखाइब रहल है से तो सत्ताधारी कुछ तीनटा व्यक्ति समुदायों के नहीं कहियो, तीनटा व्यक्ति के ईगो में जाकर अड़क गेल छै ने, तो ऐ में चीन किया देखा रहते। हाँ आ बात करला घुरकी देवला धमास देखावला तो पचास टा बात हेतै, आइ जाकर चीनिया राजदूत से भेट लेते, कल जाकर अमेरिकी राजदूत के भेटता, रशियाली राजदूत के भेटता, भेटो तो बढ़िया बात से नेपाल के लिए यदि वैसे हित होय छै तो ई देश तो मधेशियों के छै, तो ऊ हित कल जाकर ओकर लाभ मधेशियों के भेटतै, ओय में डराय के कोनो बात नहीं छै। खाली एकटा की करे पड़लै, ऊ जाकर भेटलखिन चीनिया राजदूत से तो मधेश के जे आंदोलनकारी छथि सेहो जाकर भेट करथिन आ कहथिन जे किया आंदोलन भ रहल छै, अपन व्याख्या करैत अपन पक्ष राखैत, इहो ओतबे जरूरी छै। एकटा बात, ई 15 अगस्त आप संसद के बैसार आह्वान भेल छै, नया प्रधानमंत्री चयन के प्रक्रिया शुरू हेतै, काल्हि एमाले के उपाध्यक्ष भीम रावल जी कहलखिन जे 28 अगस्त हमरो कमरेड केपी ओली जी प्रधानमंत्री बन्दै हुनुहुन्छ दावी कलखिन, तऽ आब जे मधेश सब प्रतिनिधित्व के निहार सभासद सब आब कही सांसद सब जे कांग्रेस से जीतल छथि, एमाले से गेल छथि, माओवादी से गेल छथि, ओ सब तऽ मधेशी जनता से धोखा कलखिन साइन कर संविधान में, आब एखन नाकाबंदी खोलू, देश के सहज बनाओ, मधेशी के जे समस्या छै ओ समाधान करू, ई बात पहिने हिनका सबके करऽ चाही कि आब प्रधानमंत्री नया बनाबे के चाही, कमती में अत्तो तऽ आब हुनका सबके स्टेप लेबे पड़तै। हमरा आश्चर्य लागि रहल है हुनका सबके मौनता देख कर, व्यक्तिगत रूप में, सामुदायिक रूप में, एकटा राष्ट्रीय नेपाली के रूप में ओतबे नहीं, एकटा मानवीयता के दृष्टिकोण से
एक आदमी के प्रधानमंत्री बनाव के लेल शायद दर्जन के लाश बिछा के सीढ़ी बनल है आ ओहू में पहाड़ी मधेसी के बात बिसर जाओ पहाड़ियों जो सभासद जिनका में कनिको नैतिकता नाम के चीज बाकी है हमरा आश्चर्य लगे जे केना अखन प्रधानमंत्री परिवर्तन के बात सब समर्थन कर सके से मानवीयता के बात है मधेसिये के जान के बात नहीं है कि एक संसार के कतौ के मानव भक सोचियो जै देश में अपन अधिकार के लेल चार दर्जन आदमी प्राण के उत्सर्ग कैने होइ नेपाली में कनी सुन में खराब लगे थे लेकिन काटो खाने संस्कृति जो ओकर लाश पर से भोज मनाबी ई प्रवृत्ति के जे विरोध नहीं करते तो बुझू जे उ व्यक्ति सांसद कहवाब लायक नहीं छत मधेसी होत कि पहाड़ी होत कि जनजाति होत कि दलित होत सब मानवीय प्रवृत्ति जतेक संसद सदस्य में छन हुनका सबके चाही जे सब एक स्वर में कहत जे अखन एतेक दिन से जे मधेस जल रहल छै ई पहिने आग के समन करू तकर बाद ई कुर्सी पर के बैसत ओ अखन के ज्वलंत मुद्दा नहीं है ज्वलंत मुद्दा अखन देश के एकता अखंडता राष्ट्रीय सम्मान सब के दृष्टिकोण से मधेश के जे समस्या है ओकर संबोधन भेनाई जरूरी है। एखन सारा देश के अभिभावक प्रधानमंत्री कांग्रेस के है तराई मधेश से सबसे बेसी सीट जीतने से कांग्रेस अभिभावकीय रोल में कांग्रेस है कांग्रेस के नेतृत्व में अखन सरकार से सुशील कोइराला तेकर बाद मान लिया कहीं 28 गते प्रधानमंत्री बन गए के पी ओली तो कड़ा विरोधी है तराई मधेश के ई समस्या और जटिल हेत कि समाधान हेत ई तो दुनू दिस कतौ जा सकय दुनू दिस ऐ हिसाब से कांग्रेस के भले जे मधेश तो हमर जेब में जे कह देवे से सब आँख बन के स्वीकार कर ले लेकिन एम आल मधेश विरोधी पार्टी पहाड़िया पुरोहित सबके पार्टी पीपीपी कहै छै भेला के कारण से ओकरा इहो भ सकै है जे कनिको तो हमरो स्वीकार्यता बढ़े तो किछ दयावान सेहो भ सकै छै एकरा सकारात्मक रूप से अर्थावी त आ नकारात्मक रूप से त ओहुना मधेश हमर नहिए है त एकरा सबके जे मन होइ छै अपन आग में अपने झुलैस के जरो हमरा जे मन होइ से करब त एमाले के नेतृत्व में यदि सरकार बने छै तो घड़ी के पेंडुलम जका कि एकदम फायदा मधेश के हो सके आ कि बहुत बेफायदा हो सके बीच में नहीं रहते कि आर की पार जो मधेश में आवाज उठ रहा है एमाले के सरकार बनते तो आर की पार के अवस्था में जेते अपने भारत के अखन जे बको दृष्टि से हो देख रहा है केपी ओली जी के जो भारत प्रति के प्रस्तुति से हो देख रहा है तो केपी ओली के प्रधानमंत्री बन के संभावना कते के पी ओली जी व्यक्तिगत रूप से जे छे सच्चे थे एमाले के सेहो पार्टीगत रूप में सेहो कोनो सैद्धांतिक स्पष्टता नहीं छे मधेश विरोध बाहेक ओकर कोनो प्रतिबद्धता नहीं छे भारत के गायरो वह पढ़ सके छे आ जाक पैर छू के हजूर के सेवा में हो सेहो वह कर सके छे तो भारत ओली के तौल लेने तू जाने जे एमाले के मधेश विरोध के चलते भारत विरोध से भारत विरोध के चलते मधेश विरोध नहीं है ओकरा मधेसी नहीं निक लगे तो बुझाई से मधेसी जगह तो भारतो है ते द्वारे भारत के विरोध करे भारत के विरोध भेला से मधेसी के विरोध करे से बात नहीं है तो भारत हमरा विचार में जे ओली जी नए प्रधानमंत्री बने थे तेमे बेसी हस्तक्षेप करते से हमरा नहीं लगे कैला तो भारत जानै छै जे बिकाऊ लोक सब छथि मोल मोलाई कर रहल छथि आ खरीद लेबै तो ईमानदार फिर यह रहता तो ते द्वारे भारत में बेसी हस्तक्षेप करते से हमरा नहीं लागे। अब अंत में अपने काठमांडू जा रहल छी जात जात आंदोलनकारी सब के लेल की कह चाहब अंतिम में आंदोलनकारी सब बहुत बड़का काज कर रहल छथि आ हुनका हम बहुत बात कह के लेल हमरा संग में बहुत कुछ नहीं है एक ता उर्दू के शेर इक न इक सम्मा अंधेरे में जलाए रखिए एक ता ने एक ता दीप अन्हार में बाहर कर राखू
सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। आप जे छै से सुबह होबय वाला छै, तीन टा तो मधेश विद्रोह, तेसर छै माहौल बनाए रखिए। ई जे वातावरण है सत्ताधारी पर दबाव, राजनीतिक दल सब पर दबाव, अपना बीच में एकता, विद्रोह के सांप्रदायिक नहीं होब देव के सचेतता, संयम, एकरा जे छै माहौल बनाए रखिए। माहौल बना के राखू, हर बनाने नहीं होइ छै। अधिकार के लड़ाई तो पुस्त दर पुस्त चलै छै, शताब्दियो चलै छै, दू कदम आगा आ एक कदम पाछा जे लौटे छै नै, तैयो एक कदम आगाए होइ छै। अखन की भ गेल जे लूडो के खेल जका भ गेल जे पूरा साँप सीढ़ी खेलत पहुँचल छलिए 99 पर आ एकटा बड़का एमाले रूपी साँप खा गेल आ लौट के चलि अयलिए पहला लाइन में। लेकिन ऐसे निरुत्साहित होब के जरूरी नहीं छै, फिर पहुँचबे ऊपर आ जीत हमरे सबके। अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।